अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। जी हाँ, बेनी प्रसाद BA/LLB फ्रॉम इलाहाबाद विश्वविद्यालय बोल रहे हैं। आपकी तारीफ। उसका टाइम नहीं है, जल्दी से एक पता लिखिए, जरूरी केस है। अरे देखिए, सुनिए सुनिए सुनिए, क्या है कि रात बहुत हो चुकी है, कल सुबह बात करेंगे कोई भी केस हो क्लाइंट। मैंने कहा जरूरी केस है, 2.5-3 लाख रुपए फीस भी मिलेगी। देखिए सुनिए, आप 2.5-3 लाख ने मतलब क्लाइंट को ना ऐसे केस में कभी भी लेट वेट नहीं कराना चाहिए, अच्छी बात नहीं है। 2.5-3 लाख रुपए ना पक्का? हाँ तो ठीक है, मैं एक सेकंड, एड्रेस बताइए। अफीम कोठी, 3री गली, 1ला मकान, फोन रख। हाँ बेनी, मैं बता रही हूँ इतनी रात को मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी। हाँ अरे यार बग्गू, 2.5-3 लाख रुपए की फीस मिल रही है, फटाफट आ जाएंगे, तुम आराम करो। तुम यार, तुमको एक केस मिलता है, तुम ऐसे उड़ते हो जैसे कोई पूछो ही मत। क्या है, क्या क्या कुछ सुन रहे हो? सो जा सो जा। अरे हेलो, डिस्टर्ब तो ना करो। जीजू आप? बेनी तो बाहर गए, वो आएंगे तो मैं बता दूंगी क्या आप आए थे। बाकू मौका ही ना मिलेगू। मतलब? बाकू मौका ही ना देंगी ना, ऐसा मौका कहाँ मिलतू है। चलो साथ में भाग चलें। जीजू आपका क्या दिमाग खराब हो गया है क्या? आपने पिछली बार भी बदतमीजी की थी, मैंने माफ कर दिया था, लेकिन आप फिर बदतमीजी कर रहे हैं, और ये भागने भागने की क्या बात कर रहे हैं आप? भागने में तो हम बहुत तेज हैं, ऐसा मौका कहाँ मिलेगू। चलो साथ में भाग चलें। हम अपने बीवी बच्चन से बोर हो गए, उनके साथ मन न लग रहो, और तुम हमें शुरू से पसंद हो, हमारी नजरें हमेशा तुम पे हती। चलो भाग चलें। देखो जीजू, आपकी सारी बातें ना मैं रज्जो को जाके बताऊंगी, वो ही आपकी क्लास लेगी। मुझे तो आदमी जात पे नफरत हो गई है, भरोसा ही उठ गया पूरा। हम पे करो भरोसा, रानी बना के रखेंगे। यार एड्रेस तो लेना भूल ही गए। ये चाबी है, वो क्या कहते पता। भल्ला ब्रो, इस दुनिया से तो तू जा ही चुका है, अब तुझे इस थाने से भी जाना होगा, बहुत दूर, इतना दूर कि तेरी परछाई तक नजर ना आए। कमान कमान ब्रो, भला उठ जा, घूम घूम, अबे अबे कितना खाना। और ब्रो, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, मनोहर सर, जब तक भल्ला समाधि में है आपके पैसे सेफ है सर। मनोहर तुम समझ नहीं रहे हो, अगर इसके समाधि के चक्कर में इसकी आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया तो मैं तो गया काम से। नहीं सर, ऐसे नहीं होगा, भल्ला अभी होश में आ जाएगा सर। देखने से तो लग नहीं रहा है। अरे हटना, सॉरी टू से, ये देखने से किसी जिंदा लाश से कम नहीं लग रहा है। चुप कर मनोहर। आई एम सॉरी सर। सर समाधि में गए आदमी के लिए आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, पाप लगेगा सर। आई अंडरस्टैंड, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन तुम नहीं समझ रहे हो मनोहर, मेरे 50 लाख रुपए का सवाल है। एक आइडिया है, जैसे विश्वामित्र की तपस्या मेनका ने तोड़ी थी। व्हाट डू यू मीन? रज्जो
जीजू ने तो सारी हदें ही पार कर दी, अब तो खुलेआम मुझे छेड़ रहे हैं। सब कुछ हमने अपनी आंखों के सामने देखा है, तुम पलट नहीं सकते हो चोमूलाल, समझे कि नहीं अपने बातों से? ना तो बता का देखो, बता का देखो मतलब बेडरूम में अंदर अंदर थे तुम? हम सब जानते यार, हमने सब देखा है, तुम फालतू की बात बकवास किए पड़े हो। अरे यार हमें पीने हैं तो हम तुम्हें बुलाने गई थी, जामे कब बुराई है? अरे बेनिया हम देख रहे कुछ ज्यादा ही सखी ना हो रहा है। अरे तुम दोनों तो बचपन से एक दूसरे के घर में आते जाते हो, अरे का भाव अगर हपुआ तेरे घर में चलो गो? हाँ अम्मा, बेनी जैसे गए ना बाहर, जीजू अंदर आ गए और मुझे बोलने लगे कि बिमले चल भाग चलते। हाँ। अरे बिन्नो तुम कैसी बात कर रही हो, तुम्हारे जीजू इतने आलसी है ना कि हमारे संग ढंग से वॉक पे नहीं जाते, तुम्हारे संग भागेंगे? तुझे मजाक लग रहा है? अरे तो मजाक ही है ना, देखो अम्मा बेफालतू के इल्जाम लगाओ जा रहा हूँ हम पे, हमें अच्छे से याद है, ऐसा कछु नहीं है। मैं क्या झूठ बोल रही हूँ, शर्म आनी चाहिए जीजू आपको। अरे का शर्म करो। अरे विमलेशिया तो को पहले भी ऐसी गलत फहमी भाई आती, हमें तो लग रहा हुआ कि अब भी वही होगा हुआ गलत फहमी। अम्मा तुम ज्यादा साइड नहीं लो, रुको मैंने एक बात बताओ, जब तुम घर लौटे तुमने कहा देखो जी कहाँ खड़े थे? अरे ये मेरे बेडरूम के अंदर था, और बिचारी बिमलेश जो है ना तख्त में एक तरफ एकदम सिमटी डरी हुई सी बैठी थी। तुमने अपने आंखों से अपने कानों से कछु ऐसो देखो सुनो कछु कि जे बिमलेश को छेड़ रहे थे? इतनी हिम्मत मेरे सामने कर दे, तब तो एकदम चुपचाप खड़ा था। काहे दरोगा जी, का कह रहे बेनी? नहीं हमें समझ में जे नहीं आ रहा है, जब वक्त तुम बेनी के घर में क्या कर रहे थे, काहे लाने गए थे? हमें तलब लगी थी। नहीं हमें पीने की तलब लगी थी, हम बेनी को बुलाने गए, जो घर में नहीं है तो उल्टे पांव लौट आए, जी हमें क्या दिक्कत है। अच्छा और लौट के आने के बाद आपने क्या कहा? का आपने नहीं कहा था कि मैं रज्जू और बच्चों से उब गया हूँ? हाँ बिमलेश भाग चलते हैं। बताओ अरे देखो कैसी बात है, अरे हमें भागने होगो, हम अपनी रज्जू के साथ भागेंगे, भागेंगे का बल्कि दौड़ेंगे घूमेंगे फिरेंगे, कहू के बाप को डरे काम है? हमें ऐसो लग रहा हूँ तुम्हारी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। तमीज से बात करो, समझे कि नहीं चोमूलाल, फालतू की बातें मत करना, बग्गू के बारे में उल जुलूल सब, बुद्धि हारिया कर देंगे तुम्हारी हम। बेनी 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 शांत है जा, अच्छी कोई टेम है बखेड़ा करने का? अरे गलती, अरे बच्चे सो रहे जग गए तो का इज्जत रह जाएगी है? ठीक है चाची, हम आप कह रहे हैं तो हम जा रहे हैं, लेकिन ये मामला खत्म नहीं हुआ, हम दूध का दूध पानी का जा 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 मुस्कुरा मत ज्यादा, केस लड़ ले, चलो आओ केस लड़ ले। कट्टो मैं कह रहा हूँ कि अफवाह में कुछ गड़बड़ है, अपने आप में नहीं है वो, सुन रही हो ना, थोड़ा सावध रहियो। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।